नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश बनेगा कैपिटल ऑफ माइंस, आज भोपाल में होगी खनन कॉन्क्लेव। व्यवसाय और व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई पहल करने जा रहे हैं। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें आज खनिज आधारित उद्योगों, कोयला, ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन पर केंद्रित राउंड टेबल बैठक होगी, जो हितधारकों के बीच सहयोग और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगी। बिहार में आज से शुरू होगी हिंदू स्वाभिमान यात्रा। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से गिरिराज सिंह बिहार में आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में वो मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल एवं भागलपुर में यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने संगठित हिंदू सुरक्षित हिंदू का नारा दिया है। धान की धीमी खरीद को लेकर किसान आज पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में किसान आढ़तियों और चावल मिल मालिकों के साथ आज मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर धरना देंगे। आज फिर से रिलीज होगी अजय देवगन की फिल्म सिंघम। बता दें, रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म सिंघम वर्ष 2011 में रिलीज हुई थी। सिंघम की सीक्वल सिंघम रिटर्न्स वर्ष 2014 में रिलीज हुई थी। अब फिल्म सिंघम अगेन इस वर्ष दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है और इससे पूर्व सिंघम फिर से आज सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आज राज्य महिला आयोग की सदस्या करेंगी महिलाओं की जनसुनवाई। बता दें, आज राज्य महिला आयोग की सदस्या महिलाओं की जनसुनवाई करेंगी। अपर जिलाधिकारी नगर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए आज राज्य महिला आयोग की सदस्या डॉक्टर हिमानी अग्रवाल सर्किट हाउस में महिला जनसुनवाई करेंगी। आज से बदल जाएगा महाकाल दर्शन और भस्म आरती का समय। बता दें, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में शीतकालीन दिनचर्या के अनुसार भगवान महाकाल की पूजा अर्चना और दिनचर्या में परिवर्तन किया जाता है। वहीं आज से भगवान महाकाल का सुबह का भोजन आधे घंटे देरी से होगा, जो मंदिर की परंपराओं के अनुरूप हर साल की तरह इस बार भी शीतकाल के आगमन के साथ बदला जाएगा। बिहार के डालमिया नगर में नियोजनालय में आज लगाया जाएगा जॉब कैंप। बता दें, बिहार के डालमिया नगर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय में आज एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब कैंप में संभव फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में प्रोडक्शन असेंबली प्रोडक्शन एसोसिएट के लिए 25 पद पर योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा। कनाडा में सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा जम्मू। कनाडा में सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक का पार्थिव शरीर आज जम्मू पहुंचेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि कनाडा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में मारे गए जम्मू के युवक का पार्थिव शरीर आज उसके पैतृक स्थान पर पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के देवास में आज होगी खेलकूद प्रतियोगिता। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास में श्रम कल्याण मंडल भोपाल श्रमिकों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज सुबह से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में श्रमिकों के लिए संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज से इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी बारिश का दौर समाप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में कई जगहों पर आज भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1950 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ था। साल 1996 में आज ही के दिन भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का निधन हुआ था। साल 2000 में आज ही के दिन श्रीलंका में पहली बार विपक्षी सदस्य अनुरा भंडार नायके को संसद अध्यक्ष बनाने की सहमति मिली। साल 2004 में आज ही के दिन कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया था। साल 2008 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने रायबरेली के रेल कोच फैक्ट्री के लिए 189.25 करोड़ एकड़ भूमि रेल मंत्रालय को वापस की थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।